यू सो मच। अच्छा सिद्धे अमरीका क्या हुआ है थे? अच्छी हो तुम, अच्छी हो। अच्छा इसकी सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है? बहुत पेशेंस है इसमें, मतलब इनमें बहुत पेशेंस है। शी इज़ वेरी काम एंड यू नो बहुत पेशेंस है, मतलब मैं ये बेसिकली यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं करनी किसी चीज़ को लेकर, क्रिप नहीं करना, हालांकि मैं कर देता हूँ कभी कभी, बट शी इज़ वेरी काम। ओके हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है चलो बाढ़ में जाओ, तो शी इज़ वेरी पेशेंट। इसका आई थिंक जब हम लोग सीन में कभी इम्प्रोवाइज करते हैं तो कभी कभी होता है ना कोस्टार समझ नहीं पाते कि अच्छा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, कभी कभी वो अच्छा सॉरी ये डायलॉग तो नहीं था वैसा टाइप कुछ होता है, तो कभी भी ये इम्प्रोवाइज करता है या मैं कुछ कर देती तो हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई कि ये वो पकड़ लेता है एंड बहुत सही तरीके से वो सीन को समझ जाता है एंड कर लेता है, तो विच इज़ वेरी गुड। अनोइंग थिंग ये जैसे बोला, इसे खुद ही बोला, ये चिड़चिड़ करता है कभी कभी जब बहुत इरिटेट हो जाता है चिड़चिड़ करता है। इसके अलावा ये बहुत को एक्टर्स को इरिटेट करता है, डिस्टर्ब करता है, तंग करता है, शैतानी करता है। तो I'm the youngest on this set. हाँ बता दे और मेरा एज, मेरी एज नहीं, बट हाँ ये बहुत शैतानी करता है, बहुत इरिटेट करता है सीन के बीच में, तो गुस्सा दिलाता है। और ये कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी रूड हो जाती है ये, और किसी चीज का इसको गुस्सा होता है तो मैं कभी इसको कुछ पूछता हूँ, अच्छा ऐसे नहीं आता, मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता है, अपने आप करने, फिर ये ना बड़े अच्छे से उसको कवर अप करने की कोशिश करती है, उसको पता चल जाता है कि हाँ मैं रूड हो गई हूँ पर ठीक है इसको थोड़ा करते हैं, तो कवर अप करने की कोशिश करती पर तब तक मैं बुरा मान चुका होता हूँ, फिर मैं बताता नहीं हूँ, मैं शो नहीं करता, ठीक है कोई बात नहीं इट्स ओके। फिर मैं इसको दोबारा पूछता हूँ, मेगा ऑल ओके, सब सही चल रहा है, अगर कुछ है तो तू बता सकती है, शेयर कर सकती है। मैं इसके ऊपर कभी गुस्सा नहीं निकाला, कभी होता है कि सिचुएशन ऐसा हो जाता है, माहौल ऐसा बन जाता है कि बहुत इरिटेशन आ जाता है, चिड़चिड़ हो जाता है, तो कभी कभी ऐसे बातों में यू नो वो पता नहीं चलता कि आप किसके साथ कब अचानक से रूड हो जाते हो, बट वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है बोल के ये बुरा नहीं मानता है। ले क्या 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 बस ये तंग करना बंद कर दे, और ओएस में क्यों नहीं डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो मैं लाइन भूल जाती हूँ ना, चुप रहे, ओएस में डिस्ट्रैक्ट करता है, जब ओएस है तो इसकी शक्ल तो होती नहीं। ओ हाँ नहीं एक चीज मैं बोलूंगी, ये बहुत एक बार अगर इसकी हंसी छूटती है, इसकी हंसी बंद ही नहीं होती है, और ये पूरे सीन 3-4 बार रिटेक करना पड़ता है कि इसके हंसी के चक्कर में, ये हर बार बोलते नहीं इस बार मैं नहीं हंसूंगा, और अचानक से ऐसे हंसती है कि सब लोग हंस पड़ते हैं फिर उसकी हंसी सुन के, और इसकी अजीब भी आवाज़ होती है, मतलब साइलेंट में हंसेगा लेकिन वो कितना अजीब ही आवाज़ आएगी ना वो सुन के ना, इंसान को अगर हंसी भी ना भी हंसना हो ना वो हंस देगा कि सर गौरव हंस रहा है, सर सर मतलब कहाँ, बोले सर आपको नहीं आ रही आवाज़, हमें तो आ रही है ना, तो ऐसा होता है, ये इसको बंद करना है। और इसके बारे में क्या बोलूँ, मैं तुम्हारे बारे में चेंज क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे बारे में चेंज यही करूँगा कि जब तुम कहीं इरिटेट होती हो कहीं और का गुस्सा कहीं और मत निकाला करो, और कब सीन में ऐसे हट मत किया करो, तो मैं उस चीज से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, बंगाली जाग जाता है तो बस, और बस ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग आप देख ही रहे, ऑन स्क्रीन तो आप देखते ही, ये आजकल उधर होती है और मैं इधर होता हूँ, मतलब दोनों प्लस माइनस चल रहे हैं। ऑफ स्क्रीन ऑफ स्क्रीन तो बहुत मस्ती करते रहते हैं हम लोग, एक साथ खाना खाते रहते हैं, क्या कौन क्या खाना लाए, कौन क्या ऑर्डर करने वाला है, बिना पूछे इसके उसके डब्बे में मुंह मारते रहते हैं तो ऑन स्क्रीन बहुत सही है, बहुत सही बॉन्डिंग है। कोई ऑकवर्डनेस नहीं था कि नॉर्मल, वेरी कैजुअल एंड वेरी नॉर्मल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब मुझे तो नहीं आया, मैं पहली बार जब वहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए आया था, स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए आया था, तो मिला अच्छा ओके शी इज गोना प्ले द लीड फीमेल लीड, सो हेलो हाय ओके। हाँ पहले दिन से हम लोगों में जब बातें शुरू हुई हम लोग बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे, मेरा पहला ये था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने जब इसको देखा मैंने बोला अच्छा ये बच्चा
प्ले करने वाला है राधे, इतना छोटा है ये कैसे होगा, कैसे हम दोनों के कपल मतलब कैसे मैच करेगा, मैं यही सोचती रही, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। बट हाँ, सब कुछ अच्छा हुआ और हम लोग अभी कर रहे हैं साथ में। पीपल आर लविंग आवर केमिस्ट्री एंड यू नो वी लुक ऑलमोस्ट सेम ईच अदर ऑन स्क्रीन एज कपल, लाइक लोग पसंद कर रहे हैं हमें, विच इज गुड। हाँ, वी लुक ऑलमोस्ट सिमिलर ऑन स्क्रीन ना, सिमिलर लाइक सेम एज। हाँ 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 हाँ, एक ही बात है, इको गालिया नहीं, इको गालिया क्या, इको गालिया, इको गालिया। अच्छा चलो यहाँ पे कट करते ये कॉन्वर्सेशन, ये भी खत्म करते। आई जस्ट टर्न्ड 23 लास्ट मंथ ओनली एंड आई एम 27, या आई एम 91 एंड ही इज 95। इमिटेट तो नहीं कर सकती बट इसका जो बोलने का लाइक राधिक और गौरव, गौरव को गौरव नहीं, मैं नहीं, इसके डायलॉग एक्टिंग तो कुछ नहीं है, बट ये एक चीज मैंने पहले ही बताया कि ये एक चीज बहुत बोलता है, कुछ भी हो जाए लाइक पता है मैंने ऐसा कुछ किया है आज, बहुत ऐसा नाइस, ये इसका हर चीज में बोल देता है, मतलब ये खाना नाइस, एक ही होता है कुछ और बोल दे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, नाइस। इसका क्या बोल सकता हूँ, वही एक ही चीज है इसकी, जब भी कुछ होता है इरिटेट होती है, कुछ भी होता है हट ऐसे जोर से बोलती है हट, और मैं कभी कभी मुझे लगता है यार ये मुझे तो नहीं बोला इसने, यार सर को बोला है, किसको बोल दिया। सो यार अभी फॉर एग्जांपल वो अलग अलग इसके मूड होते हैं, कभी हट, खुद के ऊपर भी होता है जब डायलॉग भूल जाते हैं, सर आ नहीं रहा है, तो ऐसे करती है। बताओ, तुम बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत रियल टॉक होती है यहाँ पे, कुछ ज्यादा चुगलीबाजी या कुछ चटर पटर नहीं होता है हमारे ज्यादा, ऐसा नहीं होता है, इतना टाइम ही नहीं ये लोग देते, स्टार्टिंग में देते थे मजा आता था, पर चटर पटर तो सब ग्रुप में होती है, वो तो सब लोग बोलते हैं तब कोई नहीं सुनता है, जब हम लोग ग्रुप में होते तब कोई किसी का नहीं सुनता है, सब लोग साथ में बोलना होता है सबको। हाँ, और सीन में अगर बोलू तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जो भी जो बोलते हैं हम लोग अच्छे से सुनते भी है, अपना बोलते भी है, तो ये नॉर्मल है, ऐसे फाइट कुछ हुआ ही नहीं है हमारे बीच, बट हाँ हम लोगों को सॉरी बोलने में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हाँ ठीक है गलती हो जाती है इंसान से, अगर मैं इस पे रूड हो जाती हूँ तो समझ आ जाए तो मैं इसको जाके सॉरी बोलूंगी, ऐसी कोई छोटी बात तो है नहीं, बोला नहीं है वैसे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, पर करता है ना ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है सारे एक्टर, हट खूबसूरती ये देखो हट निकल आया मेरा एक्ट, मैं बताती हूँ क्या करता है, ओ इसमें ये ऐसे आंख मारेगा, ये सीन जिसका ये जहाँ इसको जिसका उसका बैक दिखता है बाकी लोगों की शक्ल दिखती ना, या तो ये स्माइल करेगा ताकि बाकी को हंसी आ जाए, या जैसे मैं बोल रही थी स्पेशली जब इसका बैक रहता है और बाकी लोग का फ्रंट रहता है ये हंसता ही हंसता है ताकि बाकी लोगों की भी हंसी छूटे और डांट पड़े, और सिर्फ सर से बोले हंस क्यों रहे हो, सर गौरव हंसा, सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं हंस रहा था, नहीं करता वो, कभी कभी करता हूँ, वो भी एक मूड होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, ये और शुक्ला जी बाप और बेटे सेम टू सेम है, दोनों की हंसी छूटती है तो बंद नहीं होती, मेरे सामने आ जाए तो मुझे खुद बंद, अब कल रात को भी सीन था, कल मैं नहीं हंसा लेकिन तुम हंस रही थी पीछे खड़ी होके मेरे, बीना बीना सा वो तो बेला को देख के, बेला को तो हंसी ना फिर भी, हाँ करती है ये, मैं कम करती हूँ, मैं कम करती तो हो ना, लेकिन फनी तो बहुत होती है, कल ही हम लोग हंस रहे थे, सबसे बड़ा फनी इंसिडेंट हमारी बेला भाभी, हाँ जो हमारे सेट, हम ब्लेस्ड है एक फनी कार्टून कैरेक्टर से, शी आई वांट टू शो यू वीडियो, अरे हाँ दिखा दे, वो खुद ही पोस्ट कर चुकी होगी अब तो, अरे वो बहुत लाइक उसका कैरेक्टर ही बहुत फनी है, तो वो उसकी उसके एक्सप्रेशन और उसके जो भी हाथ पैर के जो भी बॉडीली जो एक्टिविटी करती है वो बहुत, ये देखो ये सीन में है, हाँ ऑफ सीन नहीं है oh,
तो ये ना सीन में बहुत, ये सीन में बहुत अजीबोगरीब हरकतें करता है एंड सब लोग एंजॉय करते बोलते, इसको बोलते कि हाँ और ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये एक्चुअली ओवर एक्टिंग करती है, खुद भी बोलती है मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत ही फनी होता है कि हम लोग सीन में भी उसको देख के बहुत हंस देते हैं। तो हाँ, हमारा जो एंटरटेनमेंट है वो बेला है, बेला है। बहुत सारी चीजें होती है मगर कुछ याद नहीं है ऐसा इंसिडेंट, बहुत सारी चीजें कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता रहता है सेट पे। हाँ, मतलब डायलॉग में हम लोग कुछ ऐसे बोल देते हैं या फिर को का कर देती है, का वो तो मेरा तो नॉर्मल है, जेंडर की कुछ भी कर देती, इसको लड़की बना दिया, कभी खुद लड़का बन गई, तो ये तो चलता रहता है। और कभी कभी मैं लाइन उल्टी बोल देता हूँ। हाँ, तो डायलॉग कीप ऑन हैपनिंग लाइक समथिंग समथिंग। हाँ, तो कोई इंसिडेंट तो याद नहीं आ रहा है वैसे। हम लोगों ने लखनऊ में किया था प्रैंक, हम लोग जैसे होटल में सब साथ में रहते थे तो वहाँ पे किया था। शुरुआत तो मैंने ही की थी कि रात को ना, बीच रात को लोगों के घर रूम में जाकर बेल बजाना, तो ये मैंने किया था पहले। तो एक दो बार कुछ लोग, मतलब एक दो बार लोगों ऐसे कि कौन है, क्या है, क्या चल रहा है, समझ में ही आ रहा था। तो और मुझसे ना बाद में वो झूठ बोल के एक्टिंग होती नहीं है तो मैं हंस देती हूँ, तो मुझसे आगे पूछा था तो मैंने हंस दिया था, हो गया था। उसके बाद उसी चीज़ को बाकी सब ने कंटिन्यू किया, तब ये था कि अभी भी सब मुझे डांट रहे थे कि तू ही कर रही है, मैं नहीं कर रही हूँ, बाकी लोग कर रहे, पता नहीं कौन कर रहा है। एक तो ये प्रैंक हुआ था, दूसरा हुआ था बेला को, जो बेला प्ले करी भूमिका, उसको हम सब ने मिलकर डराया था। क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था कि रात में मैं सच में तो मुझे ना नींद में कुछ बोलने की आदत है, कुछ तो है गड़बड़ मुझे भी नहीं पता, तो मैं बेला के साथ रूम शेयर कर रही थी। तो मैं रात को ऐसे उठ के बैठ के, मुझे ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने बोला यार मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ सब कहाँ है, सब कुछ बोला था। तो बेला ना रात में वो जगी हुई थी, उसको वो डर गई, उसको लगा कि क्या हो गया सडनली कि मेघा रात में उठ के पता नहीं कौन उस पर आ गया, ये बोल रही है ऐसे। तो उस चीज़ से मुझे दिमाग में आया ये डरपोक है तो इसको डराते हैं। तो ये रात को ऐसे सो रही थी, इसकी तबीयत थोड़ी डाउन थी, सो रही थी, तो हम लोग सब दिव्या के रूम में, सब ललिया के रूम में सब लोग ऐसे बैठ के बातचीत कर रहे थे। तो हमने प्लान करके ऐसे रात को जाके सनी, मतलब गजानन, मैं, फिर दिव्या, ललिया सब मिलके गए और रात को उसके जाके हाथ, मतलब चादर खींचना एंड डराना और फिर बाल खींचना साइड से रूम ये डार्क करके। अच्छा, ये हुआ है? हाँ, तू नहीं था, तू नहीं था। तो हमने डरती थी, तू भी, तेरी तबीयत भी शायद खराब थी उस दिन, तो वो सब करके उसको बहुत डरा था और वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तो या ऐसे प्रैंक किए। इट्स गोइंग वेरी स्मूथ एंड नाइस। बहुत बहुत अच्छा जा रहा है हमारे, इवन सिर्फ हम दोनों की बात नहीं करूंगी, हमारे सेट पे ना सारे एक्टर्स के साथ हमारा हमारी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। लाइक हम लोग एक दूसरे के रूम से ज्यादा किसी एक रूम में सब साथ में रहना पसंद करते हैं। तो हमारी बॉन्डिंग अभी तक तो बहुत अच्छी जा रही है और हम लोग बहुत साथ में एंजॉय कर रहे हैं काम करते हुए। तो या आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई लव यू सो 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 वेरी मच एंड आई लव यू, कीप लविंग अस, कीप शाइनिंग। Hi, this is Megha Chakraborty and you're watching me on Glitz Vision USA.